हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोग का शेयर करने वाली हूँ बंगाली लुक के लिए साड़ी के साथ मेकअप और हेयर स्टाइल। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो बंगाली लुक में आपको किस तरीके से मेकअप करना चाहिए, कैसे हेयर स्टाइल बनाना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनको भी ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, बारीकी नहीं समझ में आती है, वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, उनको मैं पूरी बारीकी के साथ जो भी चीज़ें सीखना हो पूरी डिटेल में क्लियर कर दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना डेली रूटीन जो करते हैं, जैसे कि टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, क्लींजिंग, वो सब तो आपको करना ही करना है। तो आज का वीडियो बंगाली लुक के लिए काफ़ी बेस्ट होने वाला है और नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि में ज़्यादातर हम लोग बंगाली लुक बनाते हैं। तो अभी वैसे टाइम है बट मैं बता दे रही हूँ मुझे। तो मैंने अपने फेस पे गुलाब जल लगाया है, देन नेक्स्ट स्टेप बता रही हूँ, बहुत इजी एंड इजी वे में मेकअप बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बता रही हूँ। अगर आपको सिंपल लुक में इजी वे में मेकअप चाहिए तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और फाइनल लुक देखने के लिए एंड तक वॉच कीजिएगा। मॉइस्चराइजर लगा लिया है मैंने अच्छे से। ओके, इसको 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। मैं यहाँ पे ज़्यादा मेकअप नहीं कर रही हूँ, आप चाहो तो फाउंडेशन, कंसीलर वगैरह यूज़ कर सकते हो, बट मैं सिर्फ यहाँ पे बंगाली लुक क्रिएट कर रही हूँ एंड मेरे फेस पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। तो मैं बहुत हैवी मेकअप नहीं कर रही हूँ, वैसे हैवी मेकअप की भी बहुत ज़्यादा एक्ने पिम्पल्स के लिए सब कुछ का वीडियो जा रखा है आपको जिस टाइप का मेकअप। बट जो आज का मेकअप स्टेप है वो है बस मैं बता रही हूँ बंगाली लुक के लिए आपको किस तरीके से मेकअप एंड हेयर स्टाइल करना चाहिए, वो चीज़ें आज की वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया एंड ये टोनर लगा लिया एंड सेकेंड स्टेप में मैं प्राइमर लगाऊंगी। प्राइमर मैं डेली बेसिस पे लगाती हूँ अपने। सनस्क्रीन आप लगा सकते हो, सनस्क्रीन को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है। तो मैंने प्राइमर अभी निकाल लिया था, तो प्राइमर को मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ एंड सनस्क्रीन मैं लोटस का ले रही हूँ। तो बंगाली लुक के लिए मैं सनस्क्रीन आपके स्किन पे जो सूट करता होगा वो आप लगाइएगा, बट मैं यहाँ पे लोटस का लगा रही हूँ, मुझे लोटस का ठीक सूट करता है। वैसे सनस्क्रीन के बारे में पूरा डिटेल वीडियो एक जा रखी है, तो आप सनस्क्रीन के बारे में जो तो सनस्क्रीन थोड़ी देर में अपने आपके स्किन में ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मैंने इसको अपने फेस पे लगा दिया, 2 मिनट रुकोगे उसके बाद आप देखोगे जो वाइटनेस है वो अपने आप अपने स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। देखा आपने, बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो है प्राइमर। तो प्राइमर को लगा लेंगे, इतना सा प्राइमर मैंने लिया है। ओके, उसको पूरा अच्छे से फेस पे फैला लेंगे ताकि जो भी प्रोडक्ट हम लोग अपने फेस पे लगाएं वो हमारी स्किन को हार्म ना पहुंचाए, और मेकअप का जो भी प्रोडक्ट होता है जैसे फाउंडेशन, कंसीलर, वो सब अच्छे से ब्लेंड हो और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे, ब्लैक ना पड़े। मैंने प्राइमर अप्लाई कर लिया है फेस पे, अब मैं अप्लाई करूँगी डायरेक्ट कॉम्पैक्ट पाउडर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करने वाली हूँ। मैं फाउंडेशन, कंसीलर, कलर करेक्टर कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, सारी चीज़ों की डिटेल में वीडियो जा चुकी है। अगर आपको यूज़ करना है, आपके स्किन पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो आप डे बाई डे अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको सारी चीज़ों का अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो इस तरीके से कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लेंगे पूरे फेस पे, जिससे अगर थोड़ा बहुत कवरेज की ज़रूरत है तो वो मिल जाएगा मेरे फेस को। पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा अच्छे से जानने के लिए बंगाली लुक में कैसे रेडी होते हैं उसके लिए। अगर आपको हैवी मेकअप चाहिए तो वो मिल जाएगा आपको बंगाली लुक के लिए हैवी मेकअप। बंगाली लुक के लिए मेकअप एंड हेयर स्टाइल, तो इस तरीके से कॉम्पैक्ट पाउडर मैंने लगा लिया है। उसके बाद मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि अगर आप बिल्कुल नेचुरल मेकअप लुक चाहते हो, बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं चाहते हो एंड चाहते हो कि आपका लुक काफ़ी अच्छा दिखे, ऐसा लगे कि आपने मेकअप नहीं किया फिर भी अच्छा लुक दिखे, उसके लिए आपको एक ब्लशर तो होना ही चाहिए आपके पास। इस तरीके से स्माइल करना है और अपने चिक बोन्स को थोड़ा थोड़ा सा पिंक बनाना है। उम्र के साथ साथ पिंकनेस और खूबसूरती तो चली ही जाती है, तो मेकअप है ना हमारे पास, और मेकअप से हम दोबारा से खूबसूरत और यंग दिख सकते हैं। क्यों,
इस तरीके से अप्लाई करना है। ब्लशर बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, नोज़ पे भी थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, हमारी छोटी सी नाक को ही पिंक करेंगे एंड नेचुरल लगेगा हमारा मेकअप लुक इससे। ओके तो चलिए हमने इस तरीके से ब्लश लगा लिया है। जो अब नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा हाइलाइटर का। हाइलाइटर मुझे हमेशा बहुत पसंद है, हाइलाइटर से हमारा जो फेस का ग्लो ख़त्म हुआ रहता है वो वापस आ जाता है। तो हाइलाइटर को मेकअप ब्रश अगर आपके पास, सॉरी हाइलाइटर ब्रश नहीं है तो ब्रश को यहाँ से पकड़िए, इस तरीके से हाइलाइटर पे रब कीजिए एंड अपनी नोज के ऊपर इस तरीके से लगा दीजिए। देखिए कितना प्यारा सा लुक आया है। एंड इस तरीके से चिक बोन्स पे, आईज के नीचे अगर डार्क सर्कल है थोड़ा थोड़ा आप आईज के नीचे ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अगर डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो। देखिए कितना अच्छा हाइलाइटर है, ये स्वीट ब्यूटी का हाइलाइटर है। वन सेकेंड गाइस, तो हाइलाइटर तो हमने लगा लिया है, अब हम लोग लगाएंगे लिपस्टिक। तो लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पिंक लिपस्टिक, शेड नंबर 04 है। ओके बुलेट लिपस्टिक है, ओके। अब हम लोग करेंगे अपना आईब्रो फिल। आईब्रो फिलिंग के लिए पूरी डिटेल में एक अलग से वीडियो डाली हुई है। तो आईब्रो फिल करने के लिए मैं इस तरीके का जेल आईलाइनर ले रही हूँ, एंड जेल आईलाइनर तो मैंने ले लिया है। एंड आईब्रो को फिल करने के लिए कुछ इस तरीके का ब्रश होना चाहिए, एंड इसमें से एक कलर लेंगे आईब्रो की शेप दे देंगे। बिल्कुल हल्के हल्के से कलर को ब्लेंड करेंगे। और इस तरीके से आईब्रो को फिल कर लेंगे। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड फिल करना है। दूसरी साइड फिल करने के लिए आपको इस वाले आईब्रो से पहले मापना है और वहीं से दूसरी वाली आईब्रो को शेप देंगे। आउटर कॉर्नर से हमेशा आईब्रो को फिल करना चाहिए और फिर धीरे धीरे आपको इनर कॉर्नर तक लेके आना होता है। डायरेक्ट आप इनर कॉर्नर से आईब्रो को फिल करोगे तो आपके आईब्रो का लुक जो होगा वो नेचुरल नहीं लगेगा और बहुत गंदा लगता है, वो बहुत भद्दा लगता है। इसलिए आप हमेशा आउटर कॉर्नर से प्रोडक्ट को अप्लाई कीजिए और धीरे धीरे ब्लेंड करते हुए इनर कॉर्नर पर लेके आइए। इससे क्या होगा कि जब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपके इनर कॉर्नर पर नहीं लगता है तो आपका जो आईब्रो होता है वो नेचुरल लगता है, अपने फिल करने के बाद भी लगता नहीं है कि आपने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अप्लाई किया हुआ है। तो ये देखिए कितना इजीली हमारा आईब्रो फिल हो गया। बंगाली लुक के लिए अगर आप आईब्रो फिल कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपके आईब्रो का यहाँ से थोड़ा उठा होना चाहिए, जिससे कि आपका लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखे। ओके तो ये हो गया हमारा आईब्रो फिल। सेकेंड स्टेप में हम लोग हाइलाइटर ब्रश से हाइलाइटर को लेंगे एंड आईब्रो के जस्ट नीचे इस तरीके से अप्लाई करेंगे। ओके आई मेकअप करनी है तो आप आई मेकअप कर सकते हो, बट मैं यहाँ आई मेकअप को स्किप कर रही हूँ और डायरेक्ट आईलाइनर लगा रही हूँ। बंगाली लुक के लिए जब भी आप आईलाइनर लगाते हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहली बात तो आपको अपनी विंग्स लंबी करनी है एंड थोड़ा सा चौड़ा आईलाइनर लगाना है कुछ इस तरीके से। विंग्स बनाने के लिए आपको अपने कट लाइन से इस तरीके से ऊपर को विंग्स को लेके जाएंगे एंड इस तरीके से लाके मिक्स कर देंगे और लास्ट में एकदम पतली सी विंग्स होनी चाहिए। उसके बाद बिल्कुल धीरे धीरे आप कैमरे के मिरर के सामने करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कैमरे में देख के ही कर रही हूँ। कुछ इस तरीके से आपको करना है तो आप सेल्फ भी इजीली आईलाइनर को
लगा लोगे। इनर कॉर्नर पे थोड़ा इस तरीके से आईलाइनर को निकालना है, जिससे कि हमारी जो आई का लुक है वो अच्छा आ जाए। तो इनर कॉर्नर से बहुत चौड़ा हो गया है, तो आपको तुरंत के तुरंत नहीं निकालना है आईलाइनर को, आपको थोड़ा सा वेट करना है। जब आईलाइनर सूख जाए फिर आप इजीली इसको निकाल सकते हो। तब तक मैं दूसरी आईज में आईलाइनर को लगा दे रही हूँ। आपके साथ भी ऐसी गलतियाँ हो सकती हैं जिससे कि आपका आईलाइनर बिगड़ सकता है। तो आप तुरंत, हम लोग क्या करते हैं अक्सर हड़बड़ी में, ओ माय गॉड बिगड़ गया, फिर हम लोग फटाफट उसको रिमूव कर देते हैं। ये नहीं करना है आपको, थोड़ा सा वेट करना है। ओके, तो इस तरीके से विंग्स निकाल दिए, थोड़ी चौड़ी में, पतला नहीं करना है। एंड यहाँ से इस तरीके से विंग्स निकालनी है, बहुत लंबी हो गई तो उसको भी छोड़ देंगे। आज पता नहीं क्या हो रहा है। ओके, इस तरीके से लाइनर को लगाएंगे। ओके, अब हमारा ये वाला पार्ट ड्राई हो चुका है, तो इसके लिए मैं ले रही हूँ इस तरीके का टॉवल। आप कॉटन भी ले सकते हो और इजीली यहाँ से इस तरीके से लाइनर को रिमूव कर देंगे और दोबारा से अप्लाई कर लेंगे। ओके, और हमारा इस साइड भी ख़राब हो गया, बट इसको सूखने देंगे और फिर बाद में इसको ठीक करेंगे। ओके, तो यहाँ से बिल्कुल पतला सा लेके जाएंगे। इस तरीके से मिला देंगे एंड थोड़ा सा इनर कॉर्नर की तरफ इस तरीके से खींच लेंगे, जिससे हमारा जो आईलाइनर होता है वो काफ़ी अच्छा दिखता है। अब बारी आती है लो वाटर लाइन की, तो लो वाटर लाइन पे बंगाली लुक के लिए आप मेकअप कर रहे हो तो लाइनर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा बंगाली लुक में अक्सर भरी भरी आँखें रहती है पूरी ब्लैक कलर में, तो लो वाटर लाइन पर भी आपको लाइनर लगाना है कुछ इस तरीके से। ये जो हमारा लाइनर है इसी के साथ इस तरीके से लेके आएंगे लो वाटर लाइन पे। ओके, एंड ये जो अच्छे से नहीं ब्लेंड है उसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, कहीं फील नहीं हुआ तो उसको अच्छे से फील कर लीजिएगा। अब इनर कॉर्नर से इस तरीके से लेके जाएंगे और मिक्स कर देंगे। अगर आपको अपनी आईज को बड़ा दिखाना है तो आप वाइट काजल अप्लाई कर लीजिएगा, अगर छोटा दिखाना है तो आप छोटा नहीं मतलब आपके आईज ऑलरेडी बड़ी हैं तो आप ब्लैक काजल अप्लाई कर सकते हो। अब हमारा इधर का भी ड्राई हो चुका है तो इजीली रिमूव कर लेंगे इस तरीके से। तो बिल्कुल भी जब भी आईलाइनर मसाला फैल जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा टाइम दीजिए एंड आपका जो आईलाइनर मसाला है वो जब ड्राई हो जाए तो आप इजीली उसको रिमूव कर सकते हो और आपका मेकअप भी नहीं ख़राब होगा। अगर आप गीले में ही रिमूव करने लग जाओगे तो आपका मेकअप जो है वो ख़राब हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ठीक कर लिया अपने लाइनर को एंड लो वाटर लाइन पे जैसे उधर लगाया था वैसे ही इस साइड में भी लगाएंगे। आउटर साइड में थोड़ा सा चौड़ा रहेगा लाइनर एंड इनर पे आते आते पतला हो जाएगा। मैंने ये लाइनर ऑनलाइन मंगाया था, मुझे 250 में पड़ा था और ये काफ़ी अच्छा है, बट ये वाटरप्रूफ नहीं है। मतलब थोड़ी देर रखने के बाद से तो सही है, मतलब जल्दी नहीं निकलता है, लेकिन जब हम लोग इसको वॉश करते हैं तो ये पूरा ब्लैक हो जाता है। जैसे कि आपने मेरी वीडियोज़ में भी देखा होगा, जब मैं अगर वो मेकअप रिमूवर नहीं है तो आप मेकअप कैसे रिमूव करोगे उस पर वीडियो बनाई है, तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हो इस लाइनर के बारे में। तो इस तरीके से हमने लाइनर लगा लिया और काफ़ी प्यारा लग रहा है, बंगाली लुक के लिए बेस्ट है। थोड़ा सा आई मेकअप कर लोगे तो और कमाल का लुक लगेगा आपका। तो हमारा दोनों लाइनर, थोड़ा सा ये वाला विंग्स लंबा लग रहा है तो इधर का भी विंग्स जो है उसको लंबा कर लेंगे
कुछ इस तरीके से अभी इक्वल हो गया। ओके, बंगाली लुक में अक्सर हम लोग को बिंदी ऊंची लगानी होती है, यानी कि आईब्रो से एक उंगली ऊपर। ओके, ये देखिए यहाँ पे हमारा मस्करा जो लाइनर है वो गिर रहा है। जो भी गिर रहा है उसको गिरने दीजिए, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए, ड्राई होने दीजिए अच्छे से, यहाँ पे कर लीजिए। तब तक हम लोग अपना हेयर स्टाइल बना लेते हैं। हेयर स्टाइल के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आपको मिडल पार्टीशन करनी है, यानी कि बीच की मांग निकालनी है। और आपको कुछ क्लिप्स चाहिए, कुछ इस तरीके की बॉबी क्लिप चाहिए, या फिर टिक टैक क्लिप से भी हो जाएगा। ये देखिए इस टाइप की क्लिप्स आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगी। अब हम लोग यहाँ पे बीच की मांग निकालेंगे। ओके, और क्राउन एरिया पे हेयर को इस तरीके से उठाएंगे। इस तरीके से ओके, फ्रंट का जो हेयर है वो निकल रहा है, उसको निकलने दीजिए। बैक से इस तरीके से हेयर को लेंगे एंड हल्का सा ट्विस्ट करके ऊपर की तरफ पुल करेंगे। और टिक टैक क्लिप या बॉबी क्लिप, जो भी आपके पास क्लिप्स हैं, उनसे आप इसको सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, एक दो क्लिप और ऐड कर लीजिएगा, जिससे कि जो हमारा हेयर स्टाइल है वो जल्दी ख़राब ना हो जाए। क्राउन एरिया के हेयर को थोड़ा थोड़ा इस तरीके से खींचेंगे, ताकि जो हमारा पफ का लुक है वो बिगड़े नहीं। तो इस तरीके से बीच की मांग निकाल के क्राउन एरिया पे से हमने हेयर को इस तरीके से खींच लिया, जिससे कि हमारा पफ का जो लुक है वो बिगड़े नहीं। थोड़ा सा हम इस तरीके से छोड़ रहे हैं तो हमारा पफ जो है वो नीचे को चला जा रहा है। अगर आपको ऊंचा चाहिए तो यहाँ से इस तरीके से होल्ड करोगे हाथों से बालों को, और एक और बॉबी क्लिप लेके और इसी क्लिप के ऊपर से इस तरीके से लगा दोगे, तो हमारा जो पफ है वो अच्छे से बन गया है। अब हम लोग साइड से हेयर को लेंगे। और इसको इस तरीके से कॉम करते हुए लेके जाएंगे एंड जो हमारा क्लिप है उसके ऊपर ले जाके, यहाँ पे हमारा हेयर दबा हुआ है तो इस तरीके से खींच के निकाल लेंगे। एंड अभी एक और बॉबी क्लिप लेंगे और जो साइड का हेयर है उसको ले जाके उसके ऊपर ही सिक्योर कर देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से हमने कर लिया है। दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से करेंगे। इस तरीके से क्लिप के ऊपर लेके जाएंगे, इस तरीके से ऊपर की तरफ पुल करेंगे एंड क्लिप लगा देंगे। इसके बाद आप चाहो तो बन बना सकते हो, और चाहो तो अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं तो आप चोटी भी बना सकते हो, चोटी में भी काफ़ी अच्छा लुक आएगा। और अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप बन बना के अपने लुक को कंप्लीट कर सकते हो, और चाहो तो खुला भी रख सकते हो कुछ इस तरीके से, जैसे कि मेरे बाल हैं यहाँ पे। ओके, लेकिन गर्मियों का टाइम रहेगा तो खुले रखने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन हम लोग नवरात्रि वगैरह में अगर बंगाली लुक क्रिएट कर रहे हैं तो आप अगर नहीं भी बनाते हो बन या फिर खुला रखना है बाल, तो भी काफ़ी अच्छा लुक आएगा। यहाँ पे मेरे हेयर काफ़ी ज़्यादा कटे हुए हैं जिसकी वजह से ये निकल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक क्लिप लगा दे रही हूँ दोनों साइड से। तो कुछ इस तरीके का लुक हमारा आ गया है बंगाली लुक में। इसके साथ आप बड़े बड़े झुमके वगैरह पहन सकते हो, जिससे कि आपका जो लुक है और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो उसके लिए आप इस तरीके के झुमके ट्राई कर सकते हो। ओके, काफ़ी प्यारा लग रहा है। और आप जैसे भी आपकी साड़ी का कलर है उससे मैच होता हुआ इयररिंग आप ट्राई कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके का ही झुमका लिया हुआ है दोनों, और मैं इसी झुमके को पहन रही हूँ।
वाह, बिंदी को आप चाहो तो थोड़ा सा और ऊंचा कर सकते हो, बिल्कुल सेंटर में। और इसमें आपको सिंदूर पूरे मांग में ऐसे भर के लगानी होती है, बिंदी को यहाँ लगाते हैं। ईयरिंग्स ज्वेलरी के साथ अपने मेकअप को कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे जितना भी मेकअप मेरा फैला हुआ था वो मैंने निकाल दिया है, उसके बाद मैंने कोई मेकअप प्रोडक्ट फेस पे यूज़ नहीं किया है। कैमरा भी बिल्कुल नेचुरल पे है, कोई फिल्टर वगैरह यूज़ नहीं किया है। तो आज का ये वीडियो है मेरा, ये है मेरा फाइनल लुक। तो कैसी लग रही हूँ, आई होप कि वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लग, हाँ एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, जो कि मैंने काजल अप्लाई नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे ब्लैक काजल अप्लाई कर रही हूँ। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वाइट ब्लैक जो भी लगाना है वो लगा सकते हो। वाओ, तो देखिए दोनों आंखों में डिफरेंट, फेस पे भी लगा लेते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, हेयर स्टाइल अच्छी लगी हो। वीडियो और हेयर स्टाइल अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी इस तरीके की हेल्पफुल, इंटरेस्टिंग और इजी वे में ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए और सीखने के लिए प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। एंड हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा फ्लावर वगैरह यूज़ कर लो या फिर गजरा यूज़ कर लो तो आपके हेयर स्टाइल का लुक कमाल का लगेगा, फुल बंगाली लगोगे। एंड आप चूड़ियाँ, ज्वेलरी, बैंगल्स जो भी पहनना है वो आप पहन सकते हो। इसके साथ आप हैवी मंगलसूत्र पहनोगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सेकंड चैनल पे जरूर जाएगा, उसके सिलाई से रिलेटेड और वीडियो पूरी बारीकी के साथ आपको डे बाय डे मिलते रहती हैं। बाय बाय। Thank you.